डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपने अपनी साहित्य सागर की पुस्तक के पद्य खंड से 3 कविताएं और गद्य खंड से 1 कहानी पढ़ चुके हैं। आज हम पद्य खंड से विनय के पद पढ़ेंगे, जो आपके ICSE सिलेबस का रिवीजन चैप्टर है। विनय के पद के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में सन 1532 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। इनकी भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य माना जाता है। इनकी रचना रामचरितमानस में भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी, कहो प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 अरब करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजुराम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। इस पद में तुलसीदास जी ने राम को अपना आराध्य मानकर उनकी उदारता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि राम के समान कोई भी नहीं है, क्योंकि राम बिना सेवा के ही दीन दुखियों पर द्रवित हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, मुनि, वैरागी आदि बहुत तपस्या करने पर भी जिस परम गति को नहीं पा सके, वही गति श्री राम ने गीत और शबरी को प्रदान की है। जिस संपत्ति को रावण ने महादेव के सामने अपने 10 सिरों को अर्पण करके पाया था, वही संपत्ति राम ने अत्यंत संकोच के साथ विभीषण को दे दी। संकोच इसलिए क्योंकि राम जी शिव जी के भक्त थे और रावण के आराध्य भी शिव जी ही थे, और शिव जी ने रावण को वह संपत्ति प्रदान की थी। शिव जी अप्रसन्न न हो, राम के मन में यह संकोच था। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सुखी होना है तो सब कुछ त्याग कर राम के भजन गाओ, तभी सब कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि राम कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। जाके प्रियना राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, जदपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तज्यो कंत ब्रज बनितही, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहत सुसेव जहाँ लो, अंचन कहाँ आग जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूछ प्रांति प्यारो, जासो होए सनेह रामपद, एतु मतो हमारो। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने कहा है कि राम और सीता जिन्हें प्रिय नहीं है, उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर छोड़ देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए, चाहे वह हमारे लिए कितना भी प्रिय क्यों ना हो। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि प्रहलाद ने जैसे अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को, भरत ने अपनी माँ को, बलि ने अपने गुरु को तथा ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था। तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि जैसे जिस काजल से आँख फूट जाए, वह काजल किस काम का, उसे हम धारण नहीं करते जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाए। अतः जिसे श्री राम के चरणों से प्रेम हो, वही हमारे लिए हितकारी है, अर्थात हमारा हित तभी है जब हम राम की भक्ति करें तथा राम भक्तों के साथ रहें। तो स्टूडेंट्स, तुलसीदास जी ने विनय के पद में अपनी बात की पुष्टि के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे जटायु, विभीषण, प्रहलाद, शबरी, भरत, राजा बलि आदि। इन सब के विषय में मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी देती हूँ। पहला शब्द जटायु। जटायु रामचरितमानस में एक गिद्ध था जो श्री राम का भक्त था। वनवास के समय जटायु राम से मिला।
जब रावण सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था, जटायु ने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन रावण से युद्ध करते हुए वह घायल हो गया। राम लक्ष्मण जब सीता को ढूंढते हुए भटक रहे थे, तब जटायु से उनकी मुलाकात हुई और जटायु ने सीता के बारे में सब कुछ बताकर अपने प्राण त्याग दिया। राम ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसे सद्गति प्रदान की। विभीषण, विभीषण रावण का छोटा भाई था तथा राम का भक्त था। वह राक्षस होते हुए भी बहुत ही सदाचारी था। जब राम अपनी सेना लेकर लंका गए, तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाया और ये कि सीता को आदर के साथ राम को लौटा दे, लेकिन रावण नहीं माना। वह अभिमानी था, उसने अहंकार में आकर विभीषण का बहुत अपमान किया और उसको धक्के देकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। जब राम रावण का युद्ध हुआ, तब विभीषण ने राम की बहुत सहायता की और अंत में जब राम ने रावण को का वध किया, उसके उपरांत राम ने लंका का राजा विभीषण को बना दिया। तीसरा शब्द है प्रहलाद। प्रहलाद राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था और विष्णु का भक्त था। विष्णु के परम शत्रु हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयत्न किया कि प्रहलाद को प्रहलाद की पूजा बंद की जाए, उसकी भक्ति वह नारायण की भक्ति छोड़कर उसकी भक्ति करे, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने प्रहलाद को मरवाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार विष्णु उसकी रक्षा करते थे। एक दिन विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। शबरी, शबरी एक भील स्त्री थी और जंगल में रहती थी। वह राम की बहुत बड़ी भक्त थी और उसने अपना पूरा जीवन इसी प्रतीक्षा में काटा कि राम कब उसकी कुटिया में आएंगे। एक दिन राम और लक्ष्मण जब सीता को ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक पहुंचे, तो वो खुशी से फूली नहीं समाई। वो जल्दी जल्दी जंगल से बेर तोड़कर लाई राम को खिलाने के लिए, लेकिन बेर बहुत खट्टे थे, तो उसने बेरों को चखना शुरू किया और उसमें से जो जो मीठे बेर थे वो राम को देती गई। राम भी उसके निश्चल प्रेम से खिलाए गए जूठे बेर बड़े स्नेह से खाते रहे। राम से भेंट के बाद शबरी की भी मृत्यु हो गई और राम की कृपा से उसे स्वर्ग मिला। अंतिम शब्द था है राजा बलि। राजा बलि दक्षिण भारत के राजा थे और प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। वे बहुत ही दानी राजा माने जाते थे। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ किया। विष्णु वहाँ वामन बटुक के रूप में पहुँचे और उनसे तीन पग धरती मांगी। उनके गुरु ने विष्णु को पहचान लिया और उनकी विष्णु की चाल समझकर राजा बलि को बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात न मानी। गुरु की अवज्ञा करते हुए उन्होंने वामन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वामन ने तीन पग में तीनों लोक नाप लिए और राजा बलि पाताल में चले गए। थैंक यू।